गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन। प्रीवियस वीडियो हमने लेसन रीडिंग की थी, अब हम टिक द करेक्ट करेंगे। ओके, सब अपनी कॉपी में पेंसिल से राइट करेंगे। लेसन फर्स्ट, फर्स्ट डे एट स्कूल। फर्स्ट यू विल राइट वर्ड मीनिंग, देन राइट क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द चाइल्ड इन द पोयम फील्स एट स्कूल इज वंडर। अवर आंसर इज वंडर। हु इज वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? हीज पेट पपी। आंसर इज ए। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी विल रिपीट दिस। The child in the poem feels at school wonder. Who is waiting for the child to come back from school? His pet puppy. Okay. Our next question is B. Answer the following questions. First, what does the child in the poem थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग? जो चाइल्ड था वो उसकी ड्रॉइंग के बारे में क्या सोच रहा था? ओके, सो आंसर इज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक्स डेट हिज ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज अदर। उसकी ड्रॉइंग दूसरों की ही तरह अच्छी होंगी, वो ये सोच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? चाइल्ड को टीचर के बारे में क्या वंडर लगा, क्या आश्चर्य लगा? सो आवर आंसर इज द चाइल्ड वंडर्स अबाउट हिज टीचर दैट शी विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। जो उसकी टीचर है वो लुक मीन्स दिखती होंगी मम्मी और दादी की तरह, है ना, ये उसे वंडर लगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? क्या चाइल्ड को पपी को साथ में ले जाना अच्छा लगता था? सो आंसर इज आई थिंक डेट द चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। आई थिंक, मुझे लगता है कि जो बालक था उसे उसका पपी स्कूल ले जाना अच्छा नहीं लगता था। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी विल रिपीट दिस क्वेश्चन आंसर अगेन। ओके, फर्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग? जो चाइल्ड था वो उसकी ड्रॉइंग के बारे में क्या सोच रहा था? आंसर, द चाइल्ड इन द पोयम थिंक्स दैट हिज ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज अदर। वो चाइल्ड सोच रहा था इस पोयम में कि उसकी ड्रॉइंग दूसरों के ही जैसी अच्छी होंगी या नहीं। ओके, सो सेकेंड, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? चाइल्ड को टीचर के बारे में क्या वंडर लगा? सो आवर आंसर इज द चाइल्ड वंडर्स अबाउट हिज टीचर दैट शी विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। चाइल्ड को ये वंडर लगा टीचर के बारे में कि वह मम्मी और दादी की तरह ही दिखती होंगी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज थर्ड, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? सो आवर आंसर इज आई थिंक दैट द चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। क्या बालक को उसका पपी स्कूल ले जाना अच्छा लगता था? तो आंसर क्या है? मुझे लगता है कि चाइल्ड को, बच्चे को स्कूल ले जाना पपी को अच्छा नहीं लगता था। सो हियर आवर फर्स्ट लेसन इज फिनिश्ड।